हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मटर जैसी तड़के वाली दाल बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर को गैस पर रखेंगे और उसमें एक कप देसी अरहर की दाल डालेंगे, जिसे हमने पहले ही धोकर और आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। इसमें आधा कप चना दाल, जिसे भी हमने धोकर और आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और एक गिलास पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे। अब गैस ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और दो सीटी आने तक पकने देंगे। दो सीटी आ चुकी हैं, हमारी दाल भी पक चुकी है। अब कुकर को साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। याद रहे, हमें लोहे की कढ़ाई का ही यूज करना है, क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा आता है। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हम कढ़ाई में दो चम्मच घी डालकर घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें चुटकी भर हींग, एक चम्मच जीरा बारीक कटा हुआ, अदरक, आठ से दस बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालकर भून लेंगे। अदरक और लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और चला लेंगे। अब इसमें दो कटे हुए प्याज डालेंगे और उसे पकने देंगे। जब तक प्याज पक रहा है, तब तक हम एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम छोटा सा बाउल लेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी, ध्यान रहे दाल में हम थोड़ी सी हल्दी डाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम हल्की सी ही हल्दी डालेंगे। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता है। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब हम प्याज को देख लेते हैं। प्याज भी हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम प्याज के ऊपर मसाले का घोल डालेंगे। देखिए कि कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से रंग कितना खिलकर आया है। हम यहाँ प्याज को अच्छे से मैश करेंगे, ताकि प्याज का टेस्ट और अच्छे से आए। प्याज मैश हो चुके हैं। अब इसमें तीन कटे हुए टमाटर डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, ध्यान रहे हम नमक दाल में भी डाल चुके हैं, तो इधर थोड़ा कम ही नमक डालेंगे,
जिस तरीके से हमने प्याज को मैश किया था उसी तरीके से हम टमाटर को भी मैश करेंगे। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाए और उसका पानी सूख जाए तब हम इसमें उबली हुई दाल डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी दाल ज्यादा पतली हो चुकी है तो ज्यादा टेंशन ना ले, वो अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है उबलने के बाद। अब इसे उबलने देते हैं। दाल उबल चुकी है। अब हम बारीक काटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे। और गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको दाल में खट्टास पसंद हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अब दाल को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। दाल फ्राई हो चुकी है। अब तड़के की तैयारी करेंगे। अब हम एक छोटे से बर्तन को गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी, ध्यान रहे घी एकदम गर्म होना चाहिए ताकि तड़का अच्छे से लगे। घी भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तड़का बन चुका है। अब हम दाल को तड़का लगा देंगे। ढाबे जैसी तड़के वाली दाल बनकर तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।